ओके वेलकम बैक स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिट नंबर 87. लेट्स टॉक अबाउट यूज ऑफ मच मैनी लिटिल अ फ्यू अ लॉट प्लेंटी. सॉरी आई हैव अ बैड कॉल. वी यूज मच एंड लिटिल विद अनकाउंटेबल नाउन. फॉर एग्जाम्पल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप मच यूज़ कर सकते हो. ये कॉन्सेप्ट पिछले यूनिट्स में भी हो चुका हुआ है. सो कैसे है कि मच टाइम मच लक लिटिल एनर्जी लिटिल मनी मीन अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप ये वर्ड मोस्टली यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद है वी यूज़ अलॉट ऑफ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ ये वर्ड्स जो हैं आइडियाज़ मनी टाइम पीपल के साथ यूज होते हैं. मच इज़ अनयूजुअल इन पॉजिटिव सेंटेंस. वी डिडंट स्पेंड मच टाइम. लेकिन मोस्टली हम इसको जो है स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं. बट वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. डू यू सी अ डेबिट मच. ठीक है. वी यूज मैनी एंड अलॉट ऑफ ऑल काइंड ऑफ सेंटेंस. यानी मैनी और अलॉट ऑफ हर किस्म के सेंटेंसेज में यूज हो सकता है. मैनी पीपल ड्राइव टू फास्ट पॉजिटिव सेंटेंस है. डू यू नो मैनी पीपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. देर आरंट मैनी टूरिस्ट हेयर नेगेटिव सेंटेंस है. तो मैनी और अलॉट ऑफ हर तरह से हर सेंटेंस में यूज. लिटल आता है फ्यू आता है. ठीक है. नॉट मच नॉट मैनी वही लिटल और फ्यू उसका कॉन्सेप्ट किया हुआ है. अ लिटल कुछ के लिए यूज होता है. अ फ्यू स्मॉल नंबर ऑफ के लिए यूज होता है. कंपेयर लिटल और अ फ्यू. मैं थोड़ा सा इसलिए आपको रैपिडली ये चीज़ें करवा रही हूँ. क्वाइट कॉमन एग्जाम्पल्स पढ़ोगे तो आपको जो है ये चीज़ें छोटी छोटी क्लियर हो जाएंगी. बाकी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है वो मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे. ड्यू टू दैट यू कैन से कि वीडियो बहुत हैवी हो गई अपलोडिंग का इशू. अच्छा उसके बाद क्या है ऑल ऑफ मोस्ट मोस्ट ऑफ मोस्ट और नन ऑफ. ठीक है. कैसे किस तरह से इस्तेमाल करने वो आपको बताया कि ऑल कार्स हैव व्हील्स सम कार्स कैन गो फास्टर देन अदर्स. तो कैसे है कि आप एग्जांपल्स को पढ़ोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे है. इट्स नॉट डिफिकल्ट. प्रपोजिशंस हैं ये. सम ऑफ द पीपल्स आई वर्क विद आर नॉट वेरी फ्रेंडली. कुछ लोग हैं इसमें से कोई पैसे मिले नहीं है. हैव यू रेडी एनी ऑफ दीज बुक. तुम्हें से इसमें से कोई भी किताब पढ़ी है. ऑल माई फ्रेंड्स लिव इन लॉस एंजेलिस. ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स. ऑल माई फ्रेंड भी कर सकते हो. ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स भी कर सकते हो. हाफ दिस मनी हाफ ऑफ दिस मनी इसी तरह से भी. ठीक है. तो आपने मैं आपको थोड़ा सा हिंट ये दे दूँ. यूनिट नंबर 87 यूनिट नंबर 88 और 89. ठीक है. ये आपने छोटी छोटी सी चीज़ें हैं तो इसको अच्छे से खुद पढ़ना है. अ पार्ट ऑफ दैट मैंने इसमें से आपका मीटिंग में हुई है. और अभी मैं आपको इंडिकेट करूँगी यूनिट नंबर 90 और 91. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट. ठीक. मैं थोड़ा सा इसका जो है वो कॉन्सेप्ट आपको दे देती हूँ. लेकिन आपने इन यूनिट्स में से असाइनमेंट बनानी मैं आपको बता दूँगी कि आपने कैसे बनाया. इट्स क्वाइट ईजी. ठीक है. कैसे एवरीबॉडी और एवरीवन. एवरीवन हर कोई. एवरीबॉडी कैसे इस्तेमाल. ऑल एवरीबॉडी एंड एवरीवन का इस्तेमाल कैसे करना है. पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा. पढ़े बगैर कुछ भी नहीं होता. अच्छा फिर है ऑल एंड एवरीथिंग क्या होता है. हर चीज़ सब वो वाला कॉन्सेप्ट है. एवरी हर और एवरीबॉडी हर कोई. एवरीवन हर शख्स हर चीज़ हर कोई उसी कॉन्सेप्ट में है. होल तमाम ऑल सब वही वाला. कंप्लीट एंटायर और मस्ट ऑफन वी यूज होल विद सिंगुलर नाउन. और ऑल हम मोस्टली यूज करते हैं प्लूरल नाउन के साथ. थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा. चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में पढ़ने वाली हैं. फुल गेट अ स्पेयर टाइम फॉर इंग्लिश. यू विल प्रिपेयर योर असाइनमेंट आई टेल यू. अच्छा ईच और एवरी का लास्ट यूनिट है ये 91-12 का. इसमें आपने क्या करना है. ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट देना है हर चीज़ एग्जांपल्स के साथ. ठीक है. तो ये देख लीजिएगा एक दफ़ा.
थोड़े से रूल्स के यहाँ पे जो है बताया हुआ है, कभी अदर स्ट्रक्चर भी ईच एंड एवरी, जैसे वी कैन डू ईच विद अ नाउन एंड यू कैन यूज एवरी विद अ नाउन, कैसे ईच बुक एवरी बुक, एवरी स्टूडेंट ईच स्टूडेंट्स, यू कैन डू ईच अलोन, ठीक है, विदाउट अ नाउन, यू कांट यूज एवरी, डिफरेंस दोनों नाउन के साथ यूज होता है, डिफरेंस क्या है, ईच के साथ ईच जो है अकेला भी यूज होता है, लेकिन एवरी नाउन के बगैर इस्तेमाल नहीं होता, उसके साथ किसी ना किसी नाउन ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है, क्लियर है, बेस्ट ऑफ लक, लास्ट 2-3 यूनिट्स वी हैव टू सी बाय योरसेल्फ, देन प्रिपेयर एन असाइनमेंट आई असाइन यू इन दिस, ओके, सी यू, लव. Thank you.